जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या सिम्टम आते हैं और किस किस वजह से आते हैं कि जब भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग पर असर आना शुरू होता है तो बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, जो प्रोटीन बॉडी में रहना चाहिए था, बॉडी में स्टे करना चाहिए था, वो भी बॉडी से बाहर जाना शुरू होता है। मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपके लेवल बढ़ते चले जाते हैं, जैसे ही आपका जो रीजन है, कॉज है, वो कंट्रोल में आ जाता है तो किडनी के पास अब कोई ऐसी चीज नहीं बचती जो किडनी को नुकसान पहुंचा रही हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब होती है और जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या सिम्टम आते हैं और किस किस वजह से आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है उसको चिंता सिर्फ एक चीज़ की हो रही है कि उसका क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। ट्रीटमेंट ले रहा है, मेडिसिन खा रहा है, फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। वो क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। तो किडनी फेल होने के पीछे जो कारण है वो लिमिटेड है, 5-6 कारण हैं, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें कारण देखने को मिलता है वो है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपका। जब किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि ब्लड किडनी के अंदर बहुत तेज़ी से एंटर करता है। अब जब वो ब्लड तेज़ी से एंटर करता है तो जो आर्टरी और वेन जो ब्लड अंदर किडनी के अंदर लेके जा रही है उसको भी हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है और बाबा ब्लड प्रेशर की चोट से कि जब आपका दिल धड़का ब्लड अंदर गया तो यहाँ पर चोट लगती है और एक ही जगह पर बार बार स्ट्राइक करने की वजह से वहाँ का जो टिश्यू है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। और जब वो हार्ड हुआ तो क्या हुआ कि जो उसका साइज था, जो आर्टरी का साइज था, वो श्रिंक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड जा रहा था पहले प्रॉपर 100% वो डिक्रीज हो जाता है 90% तक। अब ये जो 10% का जो ब्लड उसमें अंदर कम गया किडनी के अंदर, इसका मतलब है कि 10% ऑक्सीजन, 10% न्यूट्रिशन किडनी को कम मिला, जिसकी वजह से किडनी का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से डायबिटीज़ में क्या होता है कि डायबिटीज़ में जब भी आपकी शुगर लेवल 180 या 180 से अबव बनी रहती है तो किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उस एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालेगा, क्योंकि अगर वो शुगर आपकी बॉडी में बनी रहेगी तो बाकी आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुँचाना शुरू करेगी। दूसरा एक चीज होती है कि इतनी हाई शुगर लेवल वाला ब्लड जब किडनी में एंटर करता है तो किडनी सेल्स को वीक भी कर रहा है और किडनी से एक्स्ट्रा काम भी ले रहा है। दोनों वजह से असर पड़ने की वजह से किडनी अपनी धीरे धीरे फंक्शनिंग खोना शुरू करती है। इसी वजह से पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनमें किडनी फेलियर देखने को मिलता है। तो ये दो वो कारण थे जो 80% किडनी फेलियर के केसेस को जनरेट करते हैं। बाकी जो 20% होते हैं उसमें आईजी नेफ्रोपैथी होती है। आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर हमारी इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी का एक हिस्सा आईजी इम्यूनोग्लोबिन आपकी नेफ्रॉन्स के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। मान लो कि ये मेम्ब्रेन है जो खून को साफ करती है, इसके ऊपर अगर डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाएंगे तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का है तो यहां पर क्या करता है वो इन्फ्लेमेशन, सूजन तैयार कर देता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके हाथ पे, पैर पे कहीं पर भी सूजन आ जाए क्या वो काम कर पाता है? नहीं कर पाता ना, वो परेशानी में रहता है। इसी का असर आपको देखने को मिलता है आईजी नेफ्रोपैथी का। आईजी नेफ्रोपैथी में जब आईजी इम्यूनोग्लोबिन मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हुए, ये इन्फ्लेम्ड हो गई और इस मेम्ब्रेन ने काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया, जिसकी वजह से आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो आईजी इम्यूनोग्लोबिन है वो किडनी पे डिपॉजिट हो रहे हैं। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी एक और कंडीशन होती है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्या हो रहा था, किडनी का साइज बड़ा हो रहा होता है। किडनी का साइज बड़ा इस वजह से नहीं हो रहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, वो साइज इसलिए बड़ा हो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर सिस्ट बन रही हैं, मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, रसौलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्रेशर बनता है किडनी के अंदर की तरफ, जिसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग घटनी शुरू हो जाती है, किडनी कम साफ कर पाती है खून को और आपकी बॉडी के अंदर किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन वो मुख्य कारण है जो किसी की भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग पर असर आना शुरू होता है तो बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, क्रिएटिनिन पूरी तरह से बाहर नहीं जाता, यूरिया बाहर नहीं जाता, ये बॉडी में एक्युमुलेटेड रहते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल, जब आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा तो वो अपने हिसाब से आपकी बॉडी में सिम्टम लेकर आता है। जितना ज़्यादा जोन सा आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर है उस हिसाब से आपकी बॉडी में सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर आपको स्किन पे रैश देखने को मिलता है, मसल्स में क्रैम्प देखने को मिलता है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये क्रिएटिनिन की वजह से हो रहा है। अगर आपको नोजिया देखने को मिलता है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, घबराहट ज़्यादा हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, थकावट बनी हुई है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर यूरिया के लेवल ज़्यादा बने हुए हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि किडनी जो हार्मोन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब उसकी प्रोडक्शन भी
कम हो गई है, और जैसे ही उसकी प्रोडक्शन कम होती है तो क्या होता है कि खून कम हुआ, खून की वजह से आपके शरीर में एनीमिया हुआ, तो आपका लॉस ऑफ एपेटाइट दिखना, सांस फूलना, घबराहट जल्दी होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है, कि क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में सिम्टम क्या आएंगे। अब जैसे यूरिया आपकी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, फटीक होता है, साथ साथ आपके मुंह से स्मेल आती है, यूरिया वाली स्मेल आनी शुरू होती है, क्योंकि यूरिया आपकी बॉडी में डिपॉजिट है। यूरिया बॉडी में ज़्यादा होगा तो एक चीज़ और होती है कि आपका मुंह का जो टेस्ट है वो मेटालिक होता है, ऐसा लगता है जैसे मुंह में किसी ने लोहा रखा हुआ है, तो हमेशा ऐसे स्मेल आती रहेगी और आपको टेस्ट आता रहेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में यूरिया ज़्यादा है। तो जो भी सिम्टम है किडनी फेलियर में डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में चीज़ क्या हो रही है। अब अगर लेग पे स्वेलिंग आ रही है तो लेग पे स्वेलिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि बॉडी फ्लूड को प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रही। अब प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाएगी तो जितना एक्स्ट्रा पानी आप पी रहे हो वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, और वो कहाँ डिपॉजिट होगा, आपकी लेग के आसपास होगा, इसलिए लेग स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, फेस पे पफनेस देखने को मिलती है। अब जब किडनी की नेफ्रॉन्स पर असर पड़ रहा है, नेफ्रॉन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, खून को साफ नहीं कर पा रहे, तो उसके साथ एक दिक्कत और होती है कि जो प्रोटीन बॉडी में रहना चाहिए था, बॉडी में स्टे करना चाहिए था, वो भी बॉडी से बाहर जाना शुरू होता है, जिसकी वजह से यूरिन में झाग आनी शुरू होती है, यूरिन बबली होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे पहला सिम्टम होता है जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को, किडनी फेलियर के पेशेंट को सबसे पहले देखने को मिलता है, कि जब वो यूरिन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सर्फ का पानी वो कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे झाग सी बन जाती है। तो ये एक सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम है जो हर किडनी फेलियर को पेशेंट को अपने अंदर देखने को मिलता है स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर। तो ये तो बात होगी कि क्या रीजन होते हैं किडनी फेलियर के, और क्या सिम्टम जनरेट होते हैं, और क्यों जनरेट होते हैं। अब चलते हैं किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के बारे में। किडनी फेलियर के पेशेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही होती है कि वो सारी की सारी मेडिसिन खा रहा होता है, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा होता है, मगर पेशेंट के जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल भी नहीं होते, वो बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत होती है कि ये क्यों हो रहा है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है, अपनी जो मेडिसिन हैं, आपको अपने सामने लेकर आओ और एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद इवेल्यूएट करने की कोशिश करो। किसी डॉक्टर की आपको ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद उस काम को करो, क्योंकि जब आप उस काम को करोगे तो आपको उसके अंदर गलतियां नजर आएंगी। आप बीपी की मेडिसिन ले रहे होगे, अगर आपको शुगर है तो शुगर की मेडिसिन ले रहे होगे, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हो सकता है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी ले रहे हो सकता है आप एरिथ्रोपोइटिन ले रहे हो खून बढ़ाने के लिए, मगर आपको अपने किसी भी मेडिसिन के अंदर ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती जो किडनी पे डायरेक्टली काम करती हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपके लेवल बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया जाता एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर कि आपकी किडनी पे थोड़ा सा भी काम किया जाए। जिसकी वजह से अगर आपके लेवल स्टार्ट हुए, आपको पता लगा कि आपके किडनी लेवल 2 है, आपने वहाँ से मेडिसिन स्टार्ट की, और आप क्या देखते हो कि कुछ टाइम के अंदर वो 3 होता है और कुछ टाइम बाद वो 4 होता है, और जैसे ही 4 का लेवल क्रॉस होता है ये सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं, 15-15 दिन के अंदर एक एक पॉइंट जंप लगाना शुरू कर देते हैं। ये इस वजह से क्योंकि किडनी फेलियर के पीछे जो कारण था, जो रीजन था, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। जो आपको मैंने कारण बताई, ये जो कारण होते हैं, अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट या कोई डॉक्टर सिर्फ इन कारणों पे भी काम कर लेता है तो कम से कम इतना तो हो जाता है कि जो स्पीड है उसके बढ़ने की वो स्लो डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले कोई भी काम करना है तो हमने काम करना है किडनी फेलियर के कारण के ऊपर, रीजन के ऊपर। तो सबसे पहले काम बीपी कंट्रोल करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे। अगर हमें आईजी नेफ्रोपैथी है या पॉलीसिस्टिक किडनी है तो दोनों की जो पीछे रीजन है उन पर काम करेंगे। दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं बट उन पर उनको मैनेज किया जा सकता है। जैसे ही आपका जो रीज़न है, कॉज है, वो कंट्रोल में आ जाता है तो किडनी के पास अब कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती जो किडनी को नुकसान पहुँचा रही हो, वो अब फर्दर नुकसान से बच जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो किडनी लेवल है आपका स्टेबल रहना शुरू करेगा, और एक बार वो स्टेबल हो गया वहीं से तो आप उसको नीचे लेकर आ पाओगे। अब क्या काम करना है, हमने अपनी किडनी की फंक्शनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि क्या हुआ, नुकसान की वजह से किडनी की फंक्शनिंग हुई, मगर किडनी के पास एक खूबी है। किडनी के पास खूबी क्या होती है, अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। जैसे हमारा लीवर है, उसके पास एक नेचुरल हीलिंग पावर है अपने आप को रीजनरेट कर लेने की, मगर किडनी के पास अपने पास रीजनरेट करने की पावर तो नहीं है, बट अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की है, कंपनसेटरी वो इफेक्ट दिखाती है। जैसे अगर एक इंसान ने अपनी किडनी दूसरे इंसान को दी, जिसने अपनी किडनी दी होती है उसके किडनी लेवल बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते, यूरिया बढ़ता है, नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता, उसके किडनी का फंक्शन तो 50% हो गया। ये 50% जो किडनी उसके पास बची है, जो सिंगल किडनी बची है, वो अपने अंदर इस तरह से चेंजेस करती है कि वो 100% काम कर पाती है। हर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर हमने इसी किडनी की खूबी का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर इस खूबी को इस्तेमाल करने के लिए किडनी को कुछ सर्कमस्टांसेस चाहिए होते हैं। किडनी को पहले जो नुकसान हो रहा है वो नहीं चाहिए, जो नुकसान हो चुका है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट और नुकसान ना हो। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, कॉज पे काम करना है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है उसे कंट्रोल में करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है,
किडनी की फंक्शनिंग, जब आपने कॉज हट गया तो अब आपने क्या करना है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है। और जैसे ही कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट यूज़ करना शुरू करता है, तो क्या होता है कि किडनी की अपनी फंक्शनिंग बढ़ाती है, जो 30% 40% काम कर रही थी वो सडनली 50% 60% 70% करना शुरू करती है, जिससे क्या होता है किडनी बॉडी से बाहर जाना शुरू करता है। और वो फंक्शनिंग हमने अब क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर बना के रखनी है, उसे छोड़ना नहीं है, वो काम करती रहे तो उस पर हमने काम लेते रहना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी लेवल यूरिया लेवल आपके लोअर साइड जाना शुरू कर देते हैं, पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत खत्म हो जाती है क्योंकि किडनी को और नुकसान नहीं हो रहा, पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो किडनी को और नुकसान नहीं हो रहा, वो किडनी अपने आप सेल्फ सफिशिएंटली काम कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्या गलती कर रहा है। अगर आपके लेवल बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है, हमने ही उसको ध्यान नहीं दिया, हमने ही अपनी नॉलेज नहीं ली कि किडनी फेल क्यों हुई, किस वजह से, कौन सी मेडिसिन खा रही है, तो क्या काम कर रही है, उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज हर किडनी फेलियर पेशेंट को होना जरूरी है। अब मैं चाहता हूं कि आप साइंस इंजीनियरिंग के कुछ पेशेंट से मिलें, कुछ रिपोर्ट देखें, उनको देखने के बाद आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साइंस इंजीनियरिंग किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर, किडनी फेलियर की फील्ड के अंदर क्या काम करती है। आज हमारे साथ किडनी फेलियर पेशेंट हैं, इनका नाम है श्यामलाल जी की जो एज है 50 इयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को, इनका जो किडनी लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ, क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा, अब आपको जो आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ आपकी बॉडी में, आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफी बदलाव है। क्या से बदलाव, क्या बदलाव? एक तो गिरा पड़ा रहता था, अच्छा अब मैं उठा हूं, एनर्जी आ गई थोड़ी, ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन भूख लगनी शुरू हो गई है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया का कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई, तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको? आप ठीक लग रहे हैं, आपको खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। आपको टेंशन नहीं ना किडनी खराब हो जाएगी? ठीक है। तो आपने खुद देखा कि किडनी फेल की कंडीशन जहां जिसको इलाज समझा जाता है, जहां ये कहा जाता है कि आपकी किडनी फेल होगी ही रहेगी, आपको डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा, वो चीज़ रोकी जा सकती है अगर किडनी फेलियर पे जो अप्रोच है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो सही बनाया जाता है, सही तरीके से काम किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जिनको लग रहा है, जिनको डर लग रहा है कि उनकी किडनी फेल हो जाएगी, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, वो अपने अंदर से डर को निकाल दें और सही तरीके से नॉलेज लें कि उनकी किडनी फेल क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और उस पर कैसे काम करना है। इसको आप अगर डेप्थ में समझ जाओगे, जैसे मैं समझता हूँ वैसे आप समझ जाओगे, तो आप अपनी किडनी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, किडनी फेल क्यों होती है, किन कारणों से होती है, क्या सिम्टम आते हैं, क्यों आते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।